और आगे बढ़ते हैं। घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। 24 दिसंबर तक के लिए मौसम विभाग ने इसको लेकर अब अलर्ट जारी किया है। लखनऊ समेत कई क्षेत्रों में घने कोहरे का कहर लगातार जारी रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 23-24 को हल्की बारिश के साथ ठंड की भी आशंका जताई है। घने कोहरे और ठंड से फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। कल हल्का तापमान जरूर नीचे गिरा था, लेकिन कोहरे से हल्की राहत थी, पर आज फिर से वही सी कोहरे ने पूरी राजधानी लखनऊ को अपने आगोश में ले लिया है। विजुअलिटी की बात करें तो 100 मीटर की विजुअलिटी भी लो है। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों का जो काफिला है वो रेंग करके चल रहा है। रेड लाइट जो है कितनी लो दिख रही है। तो अगले दिनों में जिस तरीके से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी वो फिलहाल दिखने को नहीं मिल रही है। प्रदेश के ज़्यादातर इलाके बीते 2 दिनों से घने कोहरे की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने 24 दिसंबर तक के लिए लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी के साथ येलो कार्ड भी जारी किया है। वहीं 23 और 24 को हल्की बूंदाबांदी के साथ गलन बढ़ने का भी आसार बताए जा रहे हैं। वहीं तापमान की अगर बात करें तो मिनिमम करीब 6.2 का तापमान राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में कानपुर, प्रयागराज, रायबरेली जैसे इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे हालात अभी और बने रहेंगे। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और यही वजह है कि येलो कार्ड जारी किया है। तो आप देखिए विजिबिलिटी एकदम लो है। गाड़ियों का आने जाने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं इंडिकेटर और लाइट जला करके ही लोग चल रहे हैं। 100 मीटर से ऊपर देख पाने में स्थितियाँ कहीं ना कहीं खराब हो रही हैं। तो ठंड का जो कहर है वो लगातार जारी है और उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें भी हो रही हैं और सड़क हादसों का के लोग शिकार भी हो रहे हैं। तो ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं, तो प्रॉपर ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए स्पीड कम करते हुए चले, क्योंकि लगातार कोहरे की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं और यही वजह है कि चाहे एयरलाइन हो या फिर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आने जाने का समय, वो दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन रजनीश तिवारी के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।